सबको एक तरफ रखते हुए उन्होंने सभी सिटिंग से एमएलए पे कोई सिटिंग गेटिंग वाला कोई फार्मूला अपनाया, उस हिसाब से शायद किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। जो किया वो ठीक नहीं, इन पैरामीटर्स पे अगर कोई बात होगी, उन पैरामीटर्स में हम नंबर वन पे थे, लेकिन फैसला जो हुआ उससे वो ठीक नहीं हुआ और अटाटाया फैसला हो गया। पता आपको कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हुई है, कार्यकर्ता उत्साहित थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह गया था, लेकिन फैसला वही रट रटाया पुराना वाला आया, उस पर लोगों में नाराजगी तो है। कार्यकर्ता सब मेरे पास भी आए हैं, मेरे को भी कह रहे हैं कि आप कोई ना कोई इसमें फैसला लो, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, अभी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हम मिलकर कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेंगे। अच्छा, इस आपके जो कुछ समर्थक है उनका कहना है कि फतेह खान निर्दलीय चुनाव लड़े और हम साथ में हैं, तो फतेह खान का क्या निर्णय आने वाला है? बैठ के बात करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, जो उचित निर्णय अच्छा निर्णय होगा। जो कांग्रेस पार्टी लगातार 10वीं बार अमीन खान को टिकट दी है, उनकी उम्र भी हो गई है, कहीं लगता नहीं है कि युवाओं की बात तो करते हैं, युवाओं की टिकट देने की बारी आती तब देते नहीं? टिकट में उन्होंने क्या पैरामीटर रखे, क्या मापदंड रखे, उनका विषय है, उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, बात होगी तब उनके सामने भी बात रखेंगे। लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा और जोश है, इसके लिए ये सब मेरे पास आए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, जो भी निर्णय होगा आपको शीघ्र बता दिया जाएगा। फतेह खान, आपको नहीं लगता है कि पार्टी ने 10वीं बार उनको टिकट दी है, क्या आपको विश्वास में नहीं लिया, कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया गया है इस तरीके का निर्णय में? नहीं, पार्टी ने पहले ये घोषणा कर रखी थी, बड़ी उम्र वालों को नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, सर्वे के आधार पर देंगे, वो चीज़ें करेंगे, वो जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे CID CBI की रिपोर्ट्स होती हैं, अखबार की रिपोर्ट होती हैं, और मीडिया की, सोशल मीडिया की, और जितने सर्वे की रिपोर्ट होती है, वो सबको एक तरफ रखते हुए उन्होंने सभी सिटिंग से MLA पे कोई सिटिंग गेटिंग वाला कोई फार्मूला अपनाया, उस हिसाब से शायद किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। जो किया वो ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या कोई दबाव बनाया, किस वजह से, क्या वजह रही है? दबाव एक आदमी की वजह से नहीं होता है, वो पार्टी बड़े स्तर पर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा, सोच विचार के लिया होगा, कैसे लिया, क्या लिया, उस पेशे पर भी नहीं जाऊँगा, हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है, जैसे कोई बात होगी मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपको लगता नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करता है, वो उम्मीद के साथ में कि शायद मेरा कभी नंबर आएगा, इस तरीके से तो बुजुर्ग होकर के रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, उनको टिकट नहीं मिलती? ये बात आपकी सही है, इसी बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। तो एक तरफ हिमा राम जी है, उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और एक तरफ है कि भाई दिल्ली डेरा लगा के बैठे थे। हर आदमी का अपना स्वभाव होता है। अमीन खान जी ने मैं पिछले 2 इलेक्शन में भी घोषणा कर रखी थी, मेरा ये आखिरी चुनाव है, आपके सामने सबके सामने कर रखी थी, लेकिन वो उस बात से पलट करके अपना कोई फैसला किया है, तो वो जाने उनका काम है, वो बताएंगे। लेकिन पार्टी का जो बताए वो मार्गदर्शन थे कि इस हिसाब से इन पैरामीटर्स पे अगर कोई बात होगी, उन पैरामीटर्स में हम नंबर वन पे थे, लेकिन फैसला जो हुआ उससे वो ठीक नहीं हुआ और अटाटाया फैसला हो गया। पता जी, आपको लगता नहीं है 25 सालों से लगातार आप कांग्रेस की सेवा कर रहे हो, लगातार, क्योंकि कॉलेज चुनावों से कहें तो आप लगातार इस में थे, और उम्मीद थी कि शायद इस बार पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि लंबा संघर्ष था। आपको मैं करेक्ट करना चाहूँ, 34 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप से मेरे अंदर शायद कोई कमी रही होगी, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने विचार नहीं किया, लेकिन उनको करना चाहिए था। तो भाई अमीन खान जी पिछले 10वीं बार चुनाव लड़ेंगे, एक बार हारे एक बार जीत रहे, इस बार तो वही परिणाम आने वाला है। वो जनता जनार्दन का क्या फैसला करेगी, जनता पे है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। शिवाना में भी मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, वहाँ पर सुनील परिहार ने विरोध के स्वर कर दिए, और वो शायद कल उन्होंने बैठक बुलाई है, और वो भी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। ये उनका फैसला अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे से भी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई। मानवेंद्र सिंह का भी अचानक फैसला हुआ है, मेरा ये कहना है पार्टी को, पार्टी कोई भी निर्णय ले उससे पहले जो संबंधित संभावित कैंडिडेट होते हैं उनको विश्वास में लेकर के निर्णय लेना चाहिए। तो टिकट मिलने के बाद अमीन खान जी आपसे कुछ संपर्क किया या फोन पे बात वगैरह कुछ हुई है? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कोई अभी तक वार्ता के कुछ द्वार है, ऐसी संभावना खुलेगी? अभी मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे युवा साथियों से, जितने लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो मुख्य कार्यकर्ता उनसे बात करके उसके बाद में तय करें। क्या कार्यकर्ताओं का दबाव हुआ तो फतेह खान निर्दलीय मैदान में जाएंगे? कार्यकर्ताओं से बात करके उचित मार्ग निकालेंगे। ठीक है।